हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हेयर वाला जो पार्ट है, जो बालों वाला पार्ट है पोर्ट्रेट पेंटिंग में, उसको कैसे किया जाता है एक्रेलिक कलर में, डिटेल्स वर्क कैसे होता है, कौन से शेड्स यूज़ करता हूँ मैं, उसके बारे में ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं बताऊँगा कि स्किन टोन कैसे निकाल। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रॉयल आर्ट पे। दोस्तों, पोर्ट्रेट पेंटिंग में जो हेयर वाला पार्ट है उसका ट्यूटोरियल बनाओ, ऐसे कई दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा जो मैं आज पेंटिंग करने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत बालों से ही करूँ, मतलब हेयर वाला जो पार्ट है वो पहले अच्छे से डिटेल्स में आपको करके बताऊँ, उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में फेस कैसे करते हैं यानी स्किन टोन कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताऊँगा। तो ये जो पेंटिंग है वो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्नट अंबर कलर से ही मैंने शुरुआत की है और मैं मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे करने जा रहा हूँ। मतलब मैं मेरी पोर्ट्रेट की शुरुआत आपने देखी भी होगी मेरे बहुत सारे वीडियोस में, आँखों से करता हूँ। आँखें डिटेल करने के बाद में बाकी सब पार्ट कवर करके फिर बाद में मैं हेयर वाला पार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बर्न टम्बर कलर से मैंने शुरुआत की है। मुझे जहाँ पे डार्क टोन नज़र आ रहा था रेफरेंस में, वहाँ पे मैंने वो बर्न टम्बर कलर से कलर किया है और बाद में ये बर्न सीना कलर है। तो डार्क टू लाइट ऐसे मैं ये पेंटिंग कर रहा हूँ। एक्रेलिक में आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने बहुत बार मेरे वीडियोस में बताया है डार्क टू लाइट करो, लाइट टू डार्क करो, बीच में आप लाइट कर सकते हो, उसके ऊपर बाद में आप डार्क कर सकते हो। तो मोनोक्रोमेटिक में भी आप ये कर सकते हो लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, इसलिए मैं बहुत सारे शेड ऐड करूँगा। ये देखिए बर्न टम्बर के बाद मैंने वॉलेट कलर लिया है, उसमें थोड़ा सा वाइट ऐड किया है और जहाँ जहाँ मुझे रेफरेंस में नज़र आ रहा है, हालांकि इतना नहीं नज़र आ रहा लेकिन मैं उसको बाद में कम कर दूँगा। अभी तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वॉलेट कलर और उसमें ही मैंने येलो ऑकर भी ऐड किया है और बर्न सीना भी। तो देखिए वाइट में मैंने येलो ऑकर ऐड किया और जो मैंने पहले ही बर्न सीना कलर वॉलेट में ऐड किया था वाइट ऐड किया था उसमें ही ये मैं शेड बना रहा हूँ ताकि सब शेड नज़दीकी लगे। सैप ग्रीन कई जगह पे मैं यूज़ करूँगा। एजेस जो रहते हैं वहाँ पे, मतलब हेयर वाला जो पार्ट है जो स्किन टोन आएगा उसके बीच में जो जिस है वहाँ पे सैप ग्रीन का मैं यूज़ करता हूँ। बहुत बार मैंने ऐसे किया है और बताया भी है मेरे बहुत सारे वीडियोस में। ये देखिए आपका रेंडरिंग भी अच्छा होना चाहिए अगर आप पेंसिल स्केचेस करते हो प्रोफेशनल। अगर आप देखोगे आर्टिस्ट को जो पेंसिल स्केचेस भी करते हैं वो ऐसे कॉटन से या बर्ड से या किसी का ऐसे यूज़ करके ब्लेंड नहीं करते, वो रेंडरिंग करते हैं, मतलब स्ट्रोक रहते हैं उनके और उसमें ही वो अच्छे से मर्ज करते हैं। तो वो देखने में बहुत ही प्रोफेशनल लगता है और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी प्रैक्टिस करना है स्केचिंग प्रैक्टिस, जिससे आपके हाथों को भी अच्छा सा कमांड आए आपके हाथों पर। और जो स्ट्रोक रहते हैं कई बार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पोर्ट्रेट पेंटिंग कर रहे हो तो ब्लेंड कर रहे हो तो आपको पेंसिल स्केचेस की ज़रूरत नहीं है। पेंसिल स्केचेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हेयर वाला जो मैं पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आप देखोगे तो हेयर जैसे जा रहे, मतलब जैसे है रेफरेंस में उस हिसाब से मैं 000 नंबर का ब्रश यूज़ करके पेंसिल रेंडरिंग की तरह मैं उसको स्ट्रोक से कर रहा हूँ। ये देखिए बाद में मैं थोड़ा सा मर्ज भी करता हूँ उसको, क्योंकि वो क्लियर और शार्प नहीं नज़र आनी चाहिए, थोड़े से सॉफ्ट लगने चाहिए हेयर इसके लिए। ये देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, कई जगह पे उसी ब्लैक शेड में मैं क्रिम्सन रेड भी ऐड करूँगा। ये जो रेफरेंस है पिंटरेस्ट से मिला था मुझे और ये रेफरेंस मैंने खास इस चीज़ के लिए चुना था कि मैं इसमें हेयर वाला जो पार्ट है उसका भी ट्यूटोरियल दे सकूँ। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया था रेफरेंस। ब्लू शेड में ऐड कर रहा हूँ, बाल पे जो लाइट आ रहा है
वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, लेकिन जब बालों पे लाइट गिरता है तभी उसके जो शेड्स जो रहते हैं वो नज़र आते हैं। इंडियन एक्ट्रेस, बॉलीवुड के एक्ट्रेस देखोगे, या आजकल तो फैशन है कि हेयर को कलर किया जाता है बहुत सारे शेड्स में, तो जब भी उसके ऊपर लाइट आता है तो वो शेड्स हमें नज़र आते हैं। यहाँ पे देखो, नेपल्स येलो में मैंने वाइट ऐड किया है और ये लाइट वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा, मैं पूरा इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा, क्योंकि दूसरा जो पार्ट है उसमें भी मैं जो फाइनल टचअप है वो दूंगा हेयर पे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ और दूसरे पार्ट का भी वेट कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे मैं सब ये चीज़ें करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।